विधानसभा में जब से आई है, जब से एक रुपया काम नहीं करा मंगोलपुरी के अंदर, सीधे सारा जो काम हुआ है वो राजकुमार चौहान का हुआ है। राजकुमार चौहान उसके सेवा से काम नहीं करा, सारा पैसा इन्हें अपनी जेब में भरा है। 2 महीना पहले यहाँ पे ना गड्ढा तो हो रखा था, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रखा था, तो उन लोगों ने वहाँ तो नाना करके ना 1-1.5 महीने तक वो ऐसे ही रहा, बिल्कुल बेपरवाह। ना तो वहाँ पे कुछ रखा गया था ना कोई कुछ, जो पब्लिक आ रही थी जा रही थी वो अपने तरीके से देख लिया तो देख लिया, नहीं तो वो गड्ढे के अंदर जाए। और हम मांग करते हैं प्रशासन से, दिल्ली गवर्नमेंट से कम इन जो परिवार घायल हुए हैं, जिनके कैजुअलिटी हुई है, कम से कम उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए और उनके एक परिवार में से एक सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि ये प्रशासन की हत्या है, प्रशासन द्वारा हत्या की गई है। ये नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं मंगोलपुरी में, वहीं पे ठीक जहां पे कल ये हादसा हुआ था जिसमें 4 लोग घायल हुए, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद से लोग अब आक्रोश में आकर सड़कों पे उतर चुके हैं और वो तमाम लोग सड़कों के अब जाम कर दिया है और यहाँ की जो विधायक है राखी बिरला उसके खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अब इन लोगों की मांग क्या है और इन लोगों ने यहाँ पे जो काम क्यों किया है, ये तमाम जो चीज है इन चीज को लेके बात करते हैं। बंद रहेगा, बिल्कुल ये रास्ता बंद रहेगा, ये बंद रहेगा, बंद रहेगा, ईट बंद रहेगा जब तक राखी बिरला नहीं आती यहाँ पे। कल तक कोई भी न्याय देखने के लिए यहाँ पे क्या हो रहा है? एक मिनट केजरीवाल चोर है, राखी बिरला चोर है, कोई भी चोर है, जब तक केजरीवाल चोर भी है, केजरीवाल राखी बिरला चोर है। क्यों चोर है? एक तो रोड नहीं बना, जब से बना सरकार राजकुमार चौहान रोड बनी है, अभी देखो मैं रोड भी हूँ, देखो ये 3 महीने पहले गड्ढा हुआ था, ठीक है, खोखा इधर पनवाड़ी का 3 महीने पहले गड्ढा हुआ था, जमीन धस गई थी, कुछ नहीं हुआ, आए थोड़ा सा मलुआ मलुआ घुसेड़ा ऐसी बंद करके चले गए, फिर उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हो गया। अभी आप लोगों की क्या डिमांड है? अभी डिमांड है राखी बिरला कल से यहाँ पे देखने तक भी नहीं आएगी, यहाँ पे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इतने प्रशासन आई गई, कोई मर रहा जीरो एक बार भी एवरी झूठी तसल्ली देने के लिए भी आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। राखी बिरला हाय हाय, पैसे लेकर कल तू आएगा। जो ये तमाम लोग हैं, तमाम लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तमाम लोग जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उससे अब यहाँ पे अड़ गए हैं कि वो आए और इन लोगों की हालत देखे, और भी लोगों के साथ यहाँ पे जुड़ते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं। क्यों आप नारेबाजी कर रहे हैं भाई साहब? ये जो रोड के काम हो रहे हैं ना, राखी बिरला जब भी विकलांग नाम है उसका, हम उसको विकलांग बोलते हैं भाई साहब, उन्होंने कुछ काम नहीं करा जब से ये विधानसभा, वो एमएलए के साथ साथ भाई विधानसभा में जब से आई है, जब से 1 रुपया काम नहीं करा ना मंगोलपुरी के अंदर, सीधे सारा जो काम हुआ है वो राजकुमार चौहान का हुआ है, उसके सेवा से काम नहीं करा, सारा पैसा इन्हें अपनी जेब में भरा है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, तो उसके बाद से यहाँ पे कोई आपसे आया हो मिलने, चाहे वो आपके एमएलए या काउंसलर? कोई मिले नहीं आया, कोई मिले नहीं आया, और कोई आया ही नहीं है, और पैसा कोई आएगा भी नहीं यहाँ पे भाई, सबको चाहिए पैसा, बिना पैसा कोई आता नहीं है। वोट मिल गए, काम खत्म, मतलब वोट मांगना था तब आई, अच्छा वोट दे दिया आप लोगों ने, काम खत्म, काम खत्म भाई, वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उनको। अभी आप लोगों की क्या मांग है? हमारी डिमांड ये है कि हमारे 20 घंटे बीत चुके हैं, अब तक दिल्ली प्रशासन की तरफ से कोई आदमी नहीं आया है, केजरीवाल जी आए और यहाँ के देखें और देखें प्रशासन में क्या हो रहा है, जब तक केजरीवाल जी नहीं आएंगे तब तक ये लोग हटेंगे नहीं। और हम मांग करते हैं प्रशासन से, दिल्ली गवर्नमेंट से कम इन जो परिवार घायल हुए हैं, जिनके कैजुअलिटी हुई है, कम से कम उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए और उनके एक परिवार में से एक सरकारी नौकरी दी जाए, क्योंकि ये प्रशासन की हत्या है, प्रशासन द्वारा हत्या की गई है ये। और राखी बिरला एक एमएलए के साथ साथ वो डिप्टी स्पीकर भी है, जी जी, तो फिर भी अपने क्षेत्र में आकर ध्यान नहीं दे रही, क्यों? आप लोगों ने जिताया, वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी, हमारी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि यहाँ गरीब गुरबा लोग रहते हैं, सब लोग 5 किलो अनाज के अंदर झांसे में आ जाते हैं और यही 5 किलो राशन जो है ये हत्या का कारण बन रहा है। यदि आज ये इनको 5 किलो राशन ना मिल रहा होता तो ये लोग सड़क के लिए बात करते, बिजली के लिए करते, औरों के लिए करते, यही समस्या
अधिकारी के लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। सर इस घटना के बाद एमसीडी का कोई अधिकारी या पीडब्ल्यूडी का अधिकारी कोई मिलने आया हो? कोई अधिकारी ना एमसीडी का आया है, ना पीडब्ल्यूडी का आया है, ना दिल्ली सरकार का कोई कर्मचारी आया है, ना एलजी की तरफ से आया है। ये तो सब ऐसे जैसे लापरवाह कीड़े मकोड़े मरते हैं ना, मंगोलपुरी की जनता को ऐसे मारना चाहते हैं जैसे यहाँ पे कीड़े मकोड़े कोई इज्जत है ही नहीं किसी की भी। ये सबको कीड़े मकोड़े समझ रखा। 8 साल हो गए, 8 साल से मंगोलपुरी में कोई रोड नहीं बना है, सारा फंड खा लिया जाता है। ये देखिए जो पिछली सरकारें थी उनका काम है, इसमें दोहराया नहीं है, ठीक है। जब ये घटना हुई इसके कितने देर बाद यहाँ पे दिल्ली पुलिस आई? दिल्ली पुलिस आ चुकी थी, उसने अच्छा काम करवाया है, लोगों को हटवाया, सब कुछ किया उन्होंने, उनका काम ठीक था, उसमें कोई शिकायत नहीं है। दूसरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई थी, सब चीजें आ गई थी, उसमें कोई शिकायत नहीं है किसी से। हमें पर सब शिकायत है केजरीवाल सरकार से, विधायक जो है। अभी अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अपना विधायक यहाँ चाहते हैं, विधायक अपना विधायक तो आ जाए। अगर विधायक आ भी गई तो उसके बाद क्या? 1 करोड़ रुपए मुआवजा चाहिए हमारे को। देखो एक बात सुनो, जो उसके परिवार में जिन कैजुअलिटी है उनके घर के अंदर एक एक परिवार को नौकरी दी जाए। केजरीवाल जी जब कोई दूसरी जगह का मर जाता है तो उसको 1 करोड़ रुपए की नौकरी देते हैं। ये तक मंगोलपुरी तुम्हारी है, विधायक यहाँ की उपसभापति है यहाँ की, तो उसको देने में क्या ऐतराज है? यहाँ पे तमाम लोग है, आप देख सकते किस तरह से यहाँ पे जो ये वही ईंट है, जो ईंट की ट्रक जो थी वो कल रात को यहाँ पे धस गया था, ये वही ईंट है। दिखा दीजिए एक बार तस्वीर, थोड़ा सा आगे चलिए। हालांकि अभी भी वो तस्वीरें वैसे ही हैं, वो साफ नहीं हुई है। वहाँ पे जो सड़क जिस तरह से धसा हुआ था वो सड़क भी उसी तरह से धसा हुआ है। उस सड़क की आप एक बार तस्वीर देख लीजिए, ये सड़क उसी तरह से धसा हुआ है। ठीक यहाँ पे वो पनवारी की दुकान थी, हमने जिनको आपको कहानी सुनाई उनकी दुकान थी यहाँ पे, उन्होंने अपनी दुकान लगाई थी। उनका कहना था कि जब हमने वहाँ पे जब ये हादसा हुआ उसके बाद जब वो आए तो उनको एक सामान भी यहाँ पे नहीं मिला, गले में कुछ पैसे थे वो भी नहीं मिला। लेकिन इस तरह से ये लापरवाही सीधे तौर पर आप देख सकते किस तरह से इतनी बड़ी लापरवाही। और यहाँ पे अभी प्रशासन की तरफ से डू नॉट क्रॉस का जो टेप होता है उस चीज़ को लगा दिया गया है, लेकिन लोग इस चीज़ को लेकर अब मानने को तैयार नहीं है और वो लोग लगातार अब सड़कों पे उतर चुके हैं। उनका एक ही नारा है कि अभी जो यहाँ की एमएलए है और वो डिप्टी स्पीकर है राखी बिरलान यहाँ पे आए और लोगों की समस्या को सुने। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? सर ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि कल यहाँ पे एक ट्रक पलट गया था, तो उसमें है ना डेथ हो गई है। एक खोखा था, एक गरीब आदमी रोड में बैठा है, तो प्रशासन ने कुछ नहीं सोच रखा कि इतने गड्ढे और इतनी। एक छोटा सा सवाल सर, आप लोग तो युवा हैं, जब ये सड़क पे काम चला शिविर का वो जो पाइपलाइन का, तो काम चलने के बाद जब इसे भर रहे थे तब आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाया? नहीं सर, हम तो जैसा हमें भी काम धंधा करना होता है तो कोई आवाज उठाएगा ना सर? यहाँ से कोई आया आने ने रास्ता ही बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, काम गड्ढा इतना है कि आप लोग पूरे पार हो जाओगे, गाड़ी गाड़ी जाएगी अंदर गड्ढे के अंदर। काम है तुम्हारा काम नहीं है। अच्छा। अब वो तो ये बोलते हैं हमारा काम है, हमने कर दिया अपना, बाकी बस। 2 महीना पहले यहाँ पे ना गड्ढा तो हो रखा था, बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रखा था। अच्छा। तो उन लोगों ने वहाँ तो नाना करके ना 1-1.5 महीने तक वो ऐसे ही रहा। अच्छा। बिल्कुल बेपरवाह, ना तो वहाँ पे कुछ रखा गया था ना कोई कुछ। जो पब्लिक आ रही थी जा रही थी वो अपने तरीके से देख लिया तो देख लिया, नहीं तो वो गड्ढे के अंदर जा। 1 महीने तो वैसे रहा, 1 महीने के बाद किसी ने कोई जो भी कंप्लेंट करा या उनकी समझ में नहीं, चुनाव था सामने तो चुनाव के टाइम पे उन्होंने क्या करा, मट्टी वट्टी घेर के मलवा अलवा घेर के उसको लेवल कर दिया गया और पानी की पानी वैसी की वैसी दिख रहा उनको भी, फिर भी ऐसी लापरवाही करके कि हम दलदल बन के और तारा इकट्ठा होता गया। जब गाड़ी ऊपर चढ़ी वो दलदल से नीचे नाली मुड़ी है, वो नाली ऐसी है, वो क्या कर सकते सर उसमें? ये जो नाली है क्या यहाँ का पानी नहीं, 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 नहीं। मेरे वो मैन सीवर नाली आ रही है गटर का, ये यहाँ जा रहे रोड पे, ये रोड बना 2 साल हो गए, 2 साल में ऐसे काम कर रखा। हाँ जी खुला 1-1.5 साल हो गया, ये गड्ढा इन्होंने बंद नहीं किया है अभी तक, ये यहाँ पे ऐसे ही इसलिए ये एक्सीडेंट हुआ है। मतलब यहाँ पे साफ तौर पे जो लापरवाही है वो एमसीडी की तरफ से पीडब्ल्यूडी की तरफ से किया गया है। यहाँ पे तमाम जो लापरवाही है और ये जो ये मौत के जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं एमसीडी और पीडब्ल्यूडी है। आप देख सकते हैं सड़क पर इस तरफ किस तरह से जाम लगी हुई है,
लोग यहाँ पे तमाम उतर चुके हैं सड़कों पे और वो लोग लगातार यहाँ पे अब प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो मृतक थी उनके परिजन को, उनके परिवार वालों को दिल्ली सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाए और नौकरी दी जाए। किस तरह से यहाँ पे लोग अब पूरे तरीके से आक्रोश में आ चुके हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली अप टू डेट।